स्टार्ट करते हैं, प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जी शायद जी आप लोगों के कुछ प्रश्न थे, ठीक है। तो हाँ प्रश्न आप लोगों को मिस सेट है ना, 2-3 प्रश्न लेके आए हैं ना आप लोग? हाँ 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 जी। प्रश्न अच्छा है। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है। प्रश्न पहला बताइए, मैं देखूंगा कि शर्मा जी आपको उत्तर देंगे उसको ठीक से, अच्छी तरीके से। ये संबंध और संस्कार के बारे में जानना था अच्छा एक जो सेकंड, मैं शर्मा जी को भी ये दे देता हूँ, एक शर्मा जी लीजिए आप, इसमें लगा लीजिए। हाँ हाँ, अब दोबारा प्रश्न बोलिए। शर्मा जी, ये संबंध और संस्कार के बारे में जानना था जो हमारे उसी के आधार पे कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर जो बनता है वो संबंध और संस्कार के आधार पर ही बनता है। हाँ, फिर से जरा दोहराइएगा। हाँ, शर्मा जी सुनाई जी दे रहा जी है? हाँ, सुनाई दे रहा हाँ, है, तो मैं बोल कम ये दे रहा है। संबंध बताना चाहता हूँ कि वो संबंध और संस्कार, और संबंध और संस्कार। संस्कार के बारे में जानना है जो संबंध और संस्कार के आधार पर ही कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर जो बनता है वो वो कैसे? कैसे बनता है वो जानना है। अच्छा, ठीक ठीक बोलिए। है। संबंध, हाँ आपका प्रश्न हाँ मैं दोहरा लेता हूं। आपका प्रश्न जो है हाँ वो है संबंध और संस्कार के बारे में, कि संबंध और संस्कार से कारण और सूक्ष्म शरीर, ठीक है, और बाद में जाके भौतिक शरीर कैसे बनता है, हाँ ठीक हाँ है। ये प्रश्न है आपका, ठीक है। यही प्रश्न है हाँ, तो आप जी। जरा उत्तर सुनिए शर्मा जी से। बोलिए हाँ, बोलिए। ये आवाज किसमें से जाएगी? जाएगी, जाएगी, ऐसी जाएगी। आ रही है आवाज, आवाज आ रही है? आ रही, आ रही आ है। रही है, आ रही है। आप प्रश्न का उत्तर मूल में लेना चाहते हैं या काल्पनिक जगत में लेना चाहते हैं? जी, दोनों में जगत बता दीजिए। हाँ, जगत काल्पनिक है, वो दोनों जगत काल्पनिक जी। है और मूल यथास्थिति है। वो सही बात। तो जो संबंध और संस्कार मूल में भी हैं और जगत में भी हैं, जो चीज मूल में है वही जगत में काल्पनिक में है। तो अभी इसका उत्तर आप मूल के आधार पे सुनना चाहते हैं या जगत के आधार पे सुनना चाहते हैं? हमें के किसमें फायदा होगा वो ही कहो। नहीं, मुझे ऐसा लगता है हाँ कि दोनों तरीके से पहले मूल से चलते हैं, ठीक है। मूल मूल में, क्योंकि जो मूल में है वो काल्पनिक जगत में है, कल्प के अंदर है, ठीक है। तो दोनों को समझने में फायदा है, ठीक है, हाँ ताकि वो कंप्लीट आपको पिक्चर क्लियर हो जाए कि मूल में जी कैसे जी है, संबंध संस्कार से कैसे क्या हो रहा है, और वो फिर कल्प में कैसे हो रहा है, उसी का इफेक्ट क्या आ रहा है, हाँ ठीक है। शर्मा जी थोड़ा हाँ बताइए, मूल से लेकर हाँ कल्प तक। मूल दरवाजे बंद कर। ठीक, मूल में जो ईश्वरी शक्ति है जिसे हम बाहर वाला राउंड बोल रहे हैं, ऊपर वाला, ऊपर से नीचे वाला राउंड बोल रहे हैं, तो वो जो ईश्वरी शक्ति परमात्मा है उसका संबंध जो पड़ा हुआ अंडाकार है प्रकृति जिसे हम बोलते हैं उससे उसका संबंध है। जी वो पहला प्रकृति से पॉइंट, पहला पॉइंट है ये जी। कि ये उसका मूल में संबंध है कि परमात्मा और प्रकृति का आपस में क्या संबंध है। तो जी जो संबंध परमात्मा और प्राकृतिक में है वो ये संबंध बदलते क्यों हैं और इनमें ये संबंध बने क्यों हैं और ये जी संबंध होते क्यों हैं। तो इसमें ये चीज सामने आती है कि जो पड़ी हुई, जो खड़ी हुई चीज है वो जब राउंड लेती है तो बाहर की तरफ से प्राकृतिक, अंडे में बाहर की तरफ से है, प्राकृतिक में कंप्लीट ब्रह्मांड में भी बाहर की तरफ से है, तो वो रहती उसके साथ ही उसे उसके आकर्षण से उसके उसके मतलब उसको
फ्री छोड़ती नहीं है, फ्री नहीं छोड़ती है, उससे वो संबंधित रहती है। तो जैसे उसमें गुलाई आती है वैसे वो भी घूम जाती है। ये उसका मूल में ये संबंध है कि हम इसको नियंत्रण कर सकें। ईश्वर ब्रह्मांड को या अंडे को या प्राकृतिक को नियंत्रण कर सके। नियंत्रण क्यों करना है, नियंत्रण की आवश्यकता क्या है करने की, ऐसी क्या जरूरत है कि इसे नियंत्रण करना ही जरूरी है। तो नियंत्रण करने के लिए संबंध पे बात करें, सिर्फ संबंध पे, सिर्फ एक पे ही बात कर रहे हैं और किसी पे नहीं बात कर रहे हैं, ना कारण पे बात कर रहे हैं, अच्छा, ना संस्कार पे बात कर रहे हैं, सिर्फ संबंध पे ही बात चल रही है और प्राकृतिक के संबंध में नहीं चल रही, अभी मूल के संबंध में चल रही है। तो वो संबंध उसके साथ में जो प्राकृतिक के साथ में परमात्मा का संबंध है, तो उसके संबंध से वो उसको नियंत्रण करना चाहता है। तो नियंत्रण क्यों कर रहा है, नियंत्रण वो इसलिए कर रहा है कि ये मैं भी एक अंडाकार हूं और ये जो भाग रहा है इसे अंडाकार में घुमा के लाना है। अच्छा, इसे ये जब चलेगा तो इसको पीछे की तरफ से ढकेलना है और आगे की तरफ से इसको पुश करना है इस तरफ, ताकि ये राउंड ले, ताकि ये गुलाई में राउंड ले जाए। और अगर ये गुलाई में राउंड ले जाता है तो अंडा है, अंडा ही बना रहा है। एक अंडे ने परमात्मा की शक्ति से एक जो चीज बनाई है वो भी घूम के अंडा ही बनी है, मगर ये इन दोनों ने मिलके अभी तक कुछ नहीं बनाया है, बना कुछ नहीं है। तो यहां तो मूल में कुछ नहीं बना है, मगर नहीं, यहां पर जहां आप बैठे हो यहां तो बना है, खेत भी आपने किया है, आपका मकान बना है, आप भी बने हो। ये काल्पनिक जगत की बात कर रहे हैं हम, मूल में कह रहे हैं कि कुछ नहीं बनाया उन्होंने, उन्होंने अभी तक आज तक कुछ नहीं बनाया। अगर बनाया होता तो आपकी तरह बैठा होता, जैसे आप बैठे दोनों जने, ऐसे ही वो बैठा होता और बोलता होता, बनाया कुछ नहीं उसने, नहीं बनाया कुछ नहीं है, बस कर रहे हैं। तो कर रहे हैं तो क्या चीज है, ये एक एनर्जी है, पावर है, एक चेतन शक्ति है। तो जो चेतन शक्ति है, तो बड़ी शक्ति से छोटी शक्ति जीव का, जो ब्रह्मांड के अंदर जीव है उनका आपस में चेतन शक्ति का संबंध है। तो जिस संबंध पे ही बात कर रहे हैं अभी हम, तो जो संबंध है तो उसकी सत्ता से, उसकी पावर से वो हिले हैं, मगर वो जीव जो है वो ये कहता है कि मुझे सत्ता नहीं नजर आती किसी की, मुझे भगवान नहीं नजर आता, मुझे परमात्मा अल्लाह खुदा ताला नजर नहीं आता, इसलिए जो करता हूं मैं करता हूं, मैंने किया, ये सब मेरी पावर है, करता बा, ये मैंने किया, करता बा, ये वो कहे, ये वो फीलिंग कर रहा है, वो महसूस कर रहा है। मगर जो सत्ता है वो सत्ता ये कह रही है कि तू कितना भी कुछ कर ले मगर मेरी सत्ता से ही तो चलता है। तो यहां पर एक संबंधों में ये जो संस्कार संधि हो रहा है, संस्कार पे आ गए हम, ये संस्कार जो संधि हो रहा है और इसमें विच्छेद हो रहा है, अलग भी हो रहा है, वो ये कह रहा है कि तुम्हारी सत्ता से तो हम खड़े थे, चल पड़े, मगर जब चल पड़े तो हम सोचते नहीं कि भाई हम किसी की सत्ता से नहीं चलते, मेरी अपनी सत्ता है। तो इसका मतलब सत्ता से संबंध हुआ, सत्ता से संबंध हुआ और संबंध से संधि विच्छेद हो गया, तो ये संस्कार बना, ये आपका संस्कार बना। क्या संस्कार बना कि अब जीव ये कह रहा है कि मेरी पावर है, मैं नहीं परमात्मा की बात, क्योंकि वो नजर ही नहीं आता, वो नजर नहीं आता, इसलिए हम उसकी पावर को नहीं मानते। तो ये चीज वो कह रहा है, जान रहा है, तो ये संस्कार बना। अब दूसरा जो आपका सवाल था कि इसमें कारण क्या है, शरीर में सूक्ष्म शरीर क्या है और कारण क्या है, तो कारण तो जब हम समझेंगे, जब हम पहले चेतन शक्ति जो उसका करण है, करण जी,
करण करण समझते, एक चीज एक सोने की ईंट है, तो सोने की ईंट निहालका जी क्या गले में पहन सकती हैं? नहीं 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 पहन सकती। तो फिर एक काम करते हैं, हम एक गले का हार बना देते हैं सोने के ईंट का। तो ये सोना जो है करण है, चेतन चेतन की संग चेतन मूल में बात कर रहे हैं, वो करण है, और जो हार बना है वो कारण है। किसका कारण है? गले का कारण है, आपके गले का कारण है। तो कारण शरीर जिसको हम बोलते हैं, वो आपका अब मूल से हट करके यहां आ गया है, जहां बैठे काल्पनिक में, यहां आपका कारण है। करण से कारण में आ गए, हाँ, करण से मूल से हट करके कारण में आ गए, काल्पनिक में आ गए। अब आप दुनिया भरे के कारण में आप बहुत सारे तत्व ले लो, झमेले ले लो, आप क्या नाम सूक्ष्म शरीर ले लो, ये शरीर लो, ये सब आपके भाग हैं, क्योंकि आप ने मूल कारण से हटा लिया है। तो इसलिए अब काल्पनिक जगत में आ गए हो, तो यहाँ पक्के हो गए हो, बिल्कुल पक्के हैं। ये आपका मकान बिल्कुल सही है, पंखा है, इसमें कोई परमात्मा का ये मैंने बनाया तो मैं नहीं मानता भाई, आपने तो बनाया अपने पैसे से ये, मगर ये जो जितना जो साहब आपने बनाया है, ये है नहीं, है नहीं, मगर ये अभी आपको दिखाई देता है, किसी समय में रहेगा नहीं, तो इसलिए ये काल्पनिक कहलाया। तो ये कहाँ चला जाता है? तो बोलता है ये विश्रांति अगर वर्किंग में रहेगा तो काल्पनिक रहेगा, और अगर ये विश्रांति पाएगा तो मूल में चला जाएगा, और मूल वही एक ही है आपका। तो मूल और ये काल्पनिक, ये दोनों चीजें हैं, हमने आपको इसमें बताई हैं, संक्षेप में बताई हैं, मगर मैं लंबा चौड़ा अगर ब्यौरा लूंगा ना तो बहुत टाइम लगेगा। पर शर्मा जी, ये जो मूल में रहने की बात है, मूल में जी, तो मूल में हम कैसे रहे, सुक्ति में रहने की कैसे रखे? दिन सवेरे हम जब उठते हैं तो सांझ तक जो हमारा टाइम वेस्ट हो गया, पर मूल में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मूल में रहने के लिए कैसी जागृति रखनी चाहिए, बस। दूसरा प्रश्न ये है, तो ये तीन सिद्धांत जी जी, मूल में रखने, मूल में रहने के लिए क्या जागृति रखी जाए, कैसे रहा जाए, ठीक है, किस साधन से रहा जाए कि हमारी जागृति मूल की बनी रहे, ठीक है, मूल की जागृति विच्छिन्न ना हो, टूटे नहीं, ये दूसरा प्रश्न। मैं अगर आपको ये कहूं कि आपका टारगेट ये है, मैं अगर आपसे ये कहूं कि मैं दिल्ली में बैठा हूं इस वक्त, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, मैं इस वक्त लक्ष्मी नगर में हूं, मेरे को सत्येंद्र ने ये बताया कि आपको बॉम्बे जाना है, और मैं बॉम्बे के लिए पैदल चल पड़ा हूं, मेरे पास वाहन नहीं है। पहले आप उदाहरण देख लो, फिर आपका सवाल जो है ना उसी में आंसर छुपा हुआ है। मैं लक्ष्मी नगर से बॉम्बे के लिए पैदल चला, पैदल चलने में क्या हुआ कि मैं पैदल चलते चलते कनॉट प्लेस पहुंच गया, और हमें ये बता दिया था, बताया जान में हमारी समझ में ये लाया गया था कि बॉम्बे में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं और बड़ा सा समुद्र है, तो हमें कनॉट प्लेस में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें मिल गई, और वहां पर बंगला साहिब में एक तालाब भी मिल गया गुरुद्वारे में, तो मैं उसे समुद्र मान रहा हूं और मैं ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को बॉम्बे मान रहा हूं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि टारगेट बताने से क्या आप बॉम्बे पहुंच गए? नहीं नहीं, टारगेट बताने से नहीं पहुंचे, टारगेट नहीं। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो टारगेट नहीं, नहीं, आपको अपने एक कदम आगे का देखना है, आपने बहुत दूर के टारगेट को नहीं देखना है। टारगेट, अगर आप टारगेट को हासिल करके चलोगे
तो बहुत बड़ा छल हो जाएगा, दगा हो जाएगा, इसलिए टारगेट नहीं। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि मूल में रहने के लिए नहीं हम आप बात कर रहे हैं, नहीं, नहीं। आपको आप जहां जीवन में जितना प्रयास हो सके कि उतना से ज्यादा किसी अच्छी चीज के पीछे का दूसरा भाग, किसी बुरी चीज के पीछे का दूसरा भाग। हर चीज प्राकृतिक में चेंजेबल है, इसलिए उसका दूसरा भाग। इन दोनों को बार बार जब अध्ययन करेंगे तो आप किसी भी चीजों से, दुनिया की जितनी चीजों से, इससे आप उदासीन हो जाएंगे। और जब आप उदासीन हो जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे, बॉम्बे पहुंचेंगे या समुद्र में पहुंचेंगे, मुझे नहीं पता। जहां पहुंचेंगे ठीक ही पहुंचेंगे, ठीक ही पहुंचेंगे, टारगेट को नहीं। टारगेट नहीं, टारगेट से टारगेट भ्रमित करता है। और आपकी नजदीक की जो स्थिति है, आपका परिवार है, घर है, आप इनके प्रति अच्छे रहिए पहले, फिर मोहल्ले के प्रति अच्छे रहिए, फिर सब कुछ अच्छे करते करते, अच्छे रहते रहते पता क्या होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप कितने अच्छे हो गए। ये चीज आपको महसूस नहीं होगी, मगर आप अच्छे अपने में हो जाओगे। कोई के प्रमाण पत्र से नहीं अच्छा हो जाता, अपने आप फीलिंग होती है कि मैं ठीक हूं। कॉन्फिडेंस जब आता है, जब आपकी अंदर की स्थिति मजबूत होती है। आप अंदर में मजबूती आप कैसे लाएं, इसके लिए मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, ये वो रास्ता बता रहा हूं। जी जी, ये चीज है। तो जो ये मेरे हस्बैंड है, तो वो काल्पनिक है, और उसका दूसरा पार्ट देखना है कि असल में वो क्या है, वो ना। अब इनका प्रश्न है कि मेरे हस्बैंड हैं, ठीक है, ये भी काल्पनिक हैं, हम भी काल्पनिक हैं, तिमूल में क्या है? तो मूल में जो तीन सिद्धांत हैं। सिद्धांत की बात नहीं करो। हाँ, अब आप बताइए। नहीं, नहीं नहीं नहीं, सिद्धांत की बात नहीं करो ना, अभी तो मूल ही अप्रत्यक्ष है। सिद्धांत की बात आपने कैसे करी? सिद्धांत नहीं, मूल अप्रत्यक्ष है। हम और आप और ये कंप्यूटर और ये नेट, ये सब प्रत्यक्ष हैं। तो पहले प्रत्यक्ष की जो चीज चाहिए प्रत्यक्ष में, उसका पहले समावेश किया जाए, उसको पहले निवारण किया जाए। जब इन चीजों को निपटारा करते चले जाएंगे तो मूल में जाएं या किस मूल में जाएं, हमें ये बात पता नहीं है, मगर जहां जाएंगे वो आपका मूल ही होगा। मगर अभी तो आप जो प्रत्यक्ष है, मैंने आपको पहले भी ये थोड़ी देर पहले बात बोली थी कि सबसे पहले आप अपना घर, फिर आपका फैमिली, फिर आपके वो, ये सब आपके हित में रहें, ये संसार का ज्ञान सही है, मूल का ज्ञान सही नहीं है जी। मूल संसार के हित में रहे, आप संसार से लगे रहो, इनसे जुड़े रहो और इनके साथ में आप तालमेल करते रहो, ये ज्ञान आपको संसार में अंततः फंसाता है, ये रोकेगा आपको यहां। मगर जब इनके लिए आप बहुत कुछ इनके लिए आप करोगे, तो हमने अभी आपको दूसरा पहलू नहीं बताया कि आप करोगे तो क्या होएगा। जब आप इनके लिए बहुत कुछ करोगे और इनके लिए समर्पण कर दोगे, तो ये जिनके लिए आपने समर्पण किया है, ये आपको पहले गालियां देंगे, फिर मारेंगे, बेवकूफ समझेंगे कि आप बहुत बेवकूफ आदमी हैं, आपने सब कुछ मुझे अपना दे दिया, अब आपके पास कुछ नहीं बचा और आप किसी लायक नहीं बचे। फिर आपको ये घर में मारेंगे, फिर आपको ये चौराहे पे मारेंगे। जब आपका इस संसार में कोई नहीं होएगा अपना, तब जहां जाओगे, जिसको पुकारोगे, जिसकी आस लगाओगे, जो आपके हृदय में बैठा है, जो आपके शरीर में मूलाधार में बैठा है, आप वही आपका साथ देगा, आप उसी के पास जाओगे।
जब तक ये लोग आपकी मदद करेंगे जी, हमने आपको तो भी आधा पहलू बताया था, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी फिर। मैं तो एक रास्ता बताता हूँ चलने का, नहीं नहीं कि आप ऐसा काम करो, पहले अपना घर देखो, परिवार देखो, इनको सबको इनके लिए फिर समर्पण करो, इनके लिए काम करो, आप इनका आप हित देखो। हम पहले आपको ये बता रहे हैं, मगर हमने ये तो नहीं बताया था कि ये बाद में तुम्हें मारेंगे, ये तो बात मैंने बताई नहीं आपको, तो ये बतानी भी नहीं है ना, ये आपको नहीं बतानी है, ये तो पीटेंगे आपको बाद में कि अरे ये तो सब करते हैं, ये तो हमारे लिए जीते हैं, मारो इन शत्रुओं को, भगाओ इनको, इनको रोटी नहीं देनी। तब आप कहीं के नहीं रहेंगे, जब कहीं के नहीं रहेंगे ना, उदासीनता, तब हमें तो उदासीनता है ही, हमें तो उदासीनता है ही। ये कह रहे हैं कि हमें तो पहले से ही अभी उदासीनता के उस पे आ चुके हैं, हम उदासीन हो चुके हैं। नहीं, उदासीन अगर हो चुके हैं तो यहाँ बैठे टीवी के सामने क्या कर रहे हैं? अगर आप उदासीन हो चुके हैं तो यहाँ क्यों बैठे? अभी उदासीन पूरे नहीं हुए। नहीं, अभी पूरे नहीं हुए। उदासीनता आपको उसी स्थिति में लाके पटक देगी। उदासीन का मतलब बिल्कुल चलती फिरती लाश, लाश उस जगह पे आपको लेके आ जाएगी उदासीनता, उस स्थिति में कहने से नहीं होता, वो आपको मूल में जाके थ्रो कर देगी, पटक देगी। हाँ, पटक देगी, आप मूल में ही अपने आप को पाओगे। उदासीनता कंप्लीट होनी चाहिए, उदासीन। मैंने आपको एक कंप्लीट एक आंसर बोला कि अगर उदासीन है तो यहाँ इसके सामने क्यों बैठे हुए? वही कह रहा हूँ, पूरी पूरी उदासीनता नहीं है, कहने से नहीं। मैं प्रधानमंत्री हूँ, मेरा नाम मोदी है और मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैंने दाढ़ी भी कटवा दी, मैं तो प्रधानमंत्री, तो कोई नाम रखने से, पगड़ी बांधने से, दाढ़ी रखने से मोदी नहीं हो जाता। नहीं, वो आपके बोलने से उदासीनता नहीं आती है, ये उदासीनता का पैमाना मैं तय करूंगा, प्रकृति तय करेगी, ये रहा व्यक्ति उदासीन, आपने तो अपने आप ही तय कर लिया, ये कौन सी उदासीनता है? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ये ठीक नहीं है, ये कहना नहीं है कि मैं धनवान, आप हैं, मैं धनवान हूं, तो धनवान अगर आपके यहाँ पास है तो संपत्ति बाहर रुपए पैसे के ऊपर आपकी आपको लेटा हुआ होना चाहिए, पड़ा होना चाहिए, और वो रुपए पैसे आप उठाना नहीं चाहिए आपको, तब हम आपको धनवान माने। मगर धनवान है और पैसे समेट रहे, तो अभी तो आपकी पूर्ति नहीं हुई है, पूर्ति नहीं तो हुई। आपके दो प्रश्नों का क्लियर हो गया, एक तो संबंध का, मूल में संबंध और काल्पनिक में संबंध, ठीक है, और दूसरा हम मूल से संबंध कैसे जोड़े, उसका भी आंसर आपको मिल गया कि उदासीनता, उदासीनता हिंट दे दिया शर्मा जी ने, ठीक है ना। तो उदासीनता यदि 100% हो जाए, ठीक है, तो आप अपने आप को स्वयं ही पाओगे वहीं पर, मूल में ही पाओगे आप, वही क्या, वही चला जाएगा, वही चले जाओगे, अपने आप जाओगे, ठीक है। और वो जो स्थिति है वो जेन्युइन स्थिति है, मींस प्रकृति प्रदत्त स्थिति है, अपने आप प्रकृति आपको वहीं पे जाके ढकेलेगी, ठीक है, मूल में ही अपने आप को पाओगे, क्योंकि यहाँ से आप जी आप परोक्ष हो गए, वहां प्रत्यक्ष हो जाओगे। वहां प्रत्यक्ष, आपका आपकी जो दृष्टि है ना, मूल की तरफ अपने आप मुड़ जाएगी, उधर चली जाएगी, अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ चली जाएगी, और बाहर का पर्दा हट जाएगा आपका, क्योंकि आपको हर जगह से खाओ पियो चोट मिली, सब कुछ करोगे आप, ठीक है, मगर आप अपने आप को हमेशा, आपको सही स्थिति का भान रहेगा हमेशा, अपने मूल स्थिति का, बाकी जो संबंध है वो चलते रहेंगे, सब कुछ चलेगा, ठीक है, मगर आप अंदर से अंदर ही अंदर ये जानोगे कि नहीं, ये हम मूल में नहीं है, ये तो कल्प है, सार्वकाल्पनिक जगत है, है ना, यहाँ तो लेना देना है, ठीक है, यहाँ तो धोखे का अलावा कुछ नहीं है, मूल में नहीं है कुछ। जी निहाल का, और हाँ जी, बस ये काल्पनिक जगत जो आपने कहा वो हम समझ गए, बस एक काल्पनिक जगत है, मूल मूल सही है, मूल सही है, मूल सही है जी, बिल्कुल 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 सही समझा आपने, ठीक है। ये काल्पनिक में, जब हम कोई चीज काल्पनिक में देखते हैं, मैंने खाना खाया, खाना हमने पेट अपना भरा, खाना खाया, खाने में मैंने खाने को छोटे से छोटे भाग को उस अणु के रूप में देखा, जिसका मैंने आपको एक सीन आपने भेजा मुझे,
वो इतना आसान चीज नहीं है, नहीं वो इतनी आसान चीज नहीं है, वही आपका वर्किंग स्थिति है। अभी आपको एक ही सीन आपको पता चला, एक और सीन हमारा एक पड़ा हुआ है आपके पास में नहीं है, इनके पास है एक दूसरा सीन है जो एपिसोड है ना उसमें देखा है, एपिसोड में देखा ना, एपिसोड में है ना पड़ा हुआ सीन है। हाँ एपिसोड में है, हाँ हाँ देखा है एपिसोड में, देखा होगा उन्होंने दो तीन सीन प्लस 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 ना, हाँ हाँ प्लस, हाँ पढ़ा प्लस। एक एक जो पूरा जो अंडाकार स्थिति है जो हॉरिजॉन्टल है ठीक है, और उसके अंदर छोटे छोटे प्लस हैं अंदर ही, हाँ तो वो पूरी जो है वो पूरा जो प्रकृति है ठीक है उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, हमने पूरी प्रकृति को वो रिप्रेजेंट किया है जो पड़ा हुआ अंडा है ठीक है ना, प्लस का है हाँ, हाँ, हाँ। वहाँ और उसके अंदर हाँ। प्लस है, उसके अंदर प्लस हाँ। है जी ठीक है ना, बहुत सारे तो वो जीवात्मा अपनी गति में है अंदर है ना, अपना साकार में अभी निराकार में आना, कभी साकार में आना, कभी निराकार में आना ठीक है ना, बाहर की गति और अंदर से जो हाँ और अंदर वो जो क्रिएट कर रहे हैं कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं ठीक है, तो वो जो बाहर की गति है जो ईश्वरीय गति है परमात्मा की जो गति है चेतन गति है उसके पुश से उसके प्रेशर से अंदर सारी चीजें कर रहे हैं वो उनकी अपनी सत्ता नहीं है, जैसे अभी आप लोग कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, मैं आप बोल रहा हूँ ठीक है, हम समझ रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं, तो मूल में उसी की शक्ति है, पूरे प्रकृति के बाहर जो चेतन शक्ति राउंड ले रही है ठीक है, उसकी उसके प्रेशर से ठीक है हम जो अंदर प्रकृति के अंदर जो प्लस है ठीक है उसके अंदर जागृति आती है, वो भी बड़ा प्लस है जो बाहर चल रहा है ठीक है, और जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है, जो सिद्धांत है जो सिद्धांत बाहर काम कर रहा है वही सिद्धांत अंदर काम कर रहा है, वही सिद्धांत यहाँ काम कर रहा है, हर जगह वही काम कर रहा है, हर पार्टिकल में हर कण में वही सिद्धांत काम कर रहा है, सिद्धांत वही है, काल्पनिक में वही है, डिफरेंस यही है कि ये काल्पनिक है इतने बस, और वो मूल है यही फर्क, कारण की वजह से वो जी कारण ठीक है, तो इन दो प्रश्नों के साथ ठीक है आज का हम खत्म करते हैं ठीक है, और यदि आगे कुछ प्रश्न होंगे तो आप ऐसा सेशन रखिएगा ठीक है, हम लोग ओपन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात कर सकते हैं, और जो चीज डिस्कशन से आपसी डिस्कशन से क्लियर होती है ना, तो वो वैसे हाँ वैसे क्लियर नहीं हो पाती है, नहीं होती है ना, आपसी डिस्कशन ज्यादा क्लियर आज बिल्कुल करेक्ट, हाँ तो जो भी प्रश्न हो आप मुझे दो तीन दिन पहले आप बता दीजिए ठीक है, हम लोग मीटिंग अरेंज करेंगे, और भी लोगों को मैंने बोला हुआ है कि इस टाइप की मीटिंग हम अरेंज कर सकते हैं, लोगों को हम अपनी चीजें समझा सकते हैं, हम हालांकि अपनी चीज नहीं हो तो सबकी चीज है ठीक है, समझने की चीज होती है, समझने की बात है ठीक है ना जी जी, तो हम शर्मा जी को महावीर का ज्ञान ही समझते हैं बस, महावीर नहीं हाँ बिल्कुल शर्मा जी को बिल्कुल, आप शर्मा जी तो अवेलेबल है आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, जो भी प्रश्न हो आपके जो भी जिज्ञासाएं हो आप हमें बता दीजिए कीजिए दो दिन पहले ठीक है, हम लोग मीटिंग अरेंज करके ठीक है जी, प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, तो प्रश्न ना भी बताओ कोई, मुझे प्रश्न उसी वक्त बताओ, मुझे प्रश्न उसी वक्त बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सवाल कहीं ढूंढना नहीं पड़ता, मुझे उत्तर ढूंढना नहीं पड़ता, मैं वहीं पे रहता, मेरा सब रहता है, तो मेरे को आप प्रश्न उसी वक्त बताओ, मैं उत्तर उसी वक्त दूंगा, और दोनों तरीके से दूंगा, वो आपको संतुष्ट कर दूंगा, और जहां गलती करोगे वहां डांट भी खाओगे जी जी, डांट भी खाओगे, चलिए नमस्कार जी, ठीक है नमस्कार, नमस्कार ओके।